स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हम उसके रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपके सामने लीनियर रिग्रेशन का एक टेबल है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें दो मॉडल्स बने हुए हैं, इसको हम हायरार्कल लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें मॉडल वन में सिर्फ एक वेरिएबल है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, और मॉडल टू में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, फियर ऑफ कोरोना वायरस और प्रिवेंटिव बिहेवियर है। अब इसको जो हमने SPSS में जब हमने किया था तो हमारे पास सेपरेट तीन टेबल्स आए थे। अब यहाँ पे हमने एक ही टेबल में वो तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो ला दी के रख दी हैं। हमने यहाँ पर इनके बीटास विद स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्डाइज बीटा ये यहाँ पे आ गया, इनका सिग्निफिकेंस टी वैल्यू और उनका सिग्निफिकेंस लेवल, फिर इनके इंटरवल्स और आर स्क्वेयर की वैल्यू और मॉडल फिट अनोवा की वैल्यू, एफ वैल्यू, ये सारी यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। तो ये एक तरीका है रिग्रेशन एनालिसिस को रिपोर्ट करने का जो है APA फॉर्मेट के मुताबिक। तो इसमें जब आपके जो है वेरिएबल ज़्यादा हुए तो उसको हमने मॉडल टू कह दिया, और सेम वे से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी रिपोर्ट कर दी हैं। तो मॉडल वन में हमारा आर स्क्वेयर 0.075 था और मॉडल टू में हमारा आर स्क्वेयर जो है वो 0.236 था। और सबसे ज़्यादा जो बीटा है वो है फियर ऑफ कोरोना वायरस का, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है GAD, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है GAD का वो फियर ऑफ कोरोना वायरस के साथ है, और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ उसको नेगेटिवली जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि ठीक बात भी है। जितनी पॉजिटिव हेल्थ ज़्यादा होगी उतना ही नेगेटिव हेल्थ के वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे जाएंगे, उसके साथ इनवर्स कोरिलेशन होना चाहिए। और प्रिवेंटिव बिहेवियर भी जो है वो समहाउ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जैसे आप इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू देख लें। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम ये देखते हैं। अब हमारा पहला सेंटेंस इसमें है, फाइंडिंग्स शो दैट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रिड्यूस जनरल एंग्जाइटी अमंग द रिस्पोंडेंट, यानी जन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो जनरल एंग्जाइटी कम होगी। अब हमने दूसरे मॉडल की बात करनी है। इन मॉडल टू फियर ऑफ कोरोना वायरस एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर वर एडिड अलोंग विद पॉजिटिव मेंटल हेल्थ टू प्रिडिक्ट जनरल एंग्जाइटी। रिजल्ट इंडिकेट दैट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रिड्यूस जनरल एंग्जाइटी, वेयर एज फियर ऑफ कोरोना वायरस इंक्रीज जनरल एंग्जाइटी अमंग द रिस्पोंडेंट्स। प्रिवेंटिव बिहेवियर डिड नॉट एक्सप्लेन जनरल एंग्जाइटी अमंग द रिस्पोंडेंट। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रिड्यूस जनरल एंग्जाइटी अमंग द रिस्पोंडेंट्स। तो ये एक सिंपल राइटअप है जो आप रिग्रेशन एनालिसिस के लिए लिख सकते हैं। इसमें हम इसके साथ आर स्केयर की जो है वैल्यू फॉर मॉडल टू भी ऐड कर सकते हैं, हाँ, कि इस मॉडल ने कितना एक्सप्लेन किया जनरल एंग्जाइटी को। तो APA फॉर्मेट में हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं।